अमल खरगोश गणेश तो सही कर रहा ना ऐसा ही घड़ी चम्मच छाता झंडा या ठीक टमाटर कटेरा डमरू ढक्कन या तराजू कान दवात धनुष नल पतंग फल बकरी भालू मछली व्यक्ति रस्सी लड़की वन शलगम सरकोन सरोता हल क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी हो गया तुम्हारा अंधारा में खत्म। अब मात्राएं बता दे इसके बाद। चलो ठीक है खड़ा करके पूछूं। पूछूं तुम बड़ा और ये क्या E for elephant. A for fish. G for girl. H for head. I for ice cream. J for jar. K for kite. L for lion. M for monkey. N for lion. O for owl. B for bird. D for tree. R for red. F for deep. G for tiger. U for umbrella. B for plane. W for watch. X for taxi. Y for yeah. 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 Z for zebra. अभी चल रहा है। डिवाइस है जिसके थ्रू हम हमारा काम को कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर जो हम चाहे तो जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई हमारे को मूवी देखना हो मूवी का मूवी देख सकते हैं, या फिर हमारे को जैसे इसके थ्रू प्रिंट आउट निकालना हो प्रिंट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे काम इस कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, है ना। अब कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर एक मॉनिटर, कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है, एक मॉनिटर से मिलकर बनता है और एक सीपीयू से मिलकर बनता है। ये कंप्यूटर के अंदर दो मेन पार्ट रहते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेन पार्ट में सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे को सीपीयू रहता है, जिसके थ्रू हम सारा काम इसके थ्रू ही करते हैं, है ना। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर बहुत सारे अंदर के जो इंटरनल सर्किट है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बने रहते हैं। इसके अंदर जनरल मतलब सिंपल टाइप से हम बोलें तो इसके अंदर एक कंट्रोलर रहेगा। कंट्रोलर के बाद में इसमें एक हमारा हार्ड डिस्क रहती है, जिसको जिसके मतलब रैम रोम और एक हार्ड डिस्क रहती है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर मेन रहती है।
रेन बॉल हाइटेस के लिए इनके तौर पे हम बताए ना इसको क्या कहते हैं कि ये इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है रेन बॉल बॉल। और अब इसके आउटसाइड से हम मतलब यहाँ पर हम स्कैनर लगा सकते हैं, स्कैनर के बाद में प्रिंट आउट मशीन लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम हमारे अगर जो हमको जैसे ये ग्लोबल प्रिंट आउट करा था एक पेपर के ऊपर तो हम डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं और उसके थ्रू स्कैन कराएंगे, स्कैन कराने के बाद में उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। बस हो गया तो समझ बोल। मतलब हिंदी में क्या बोलते हो ऑरेंज को? हिंदी में क्या बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कुछ बिफोर हिंदी में बोलते हैं बिफोर अम्ब्रेला हिंदी में क्या बोलते हैं?